तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अगर आप लोग के भी फोन में ये प्रॉब्लम शो हो रहा है एसडी कार्ड अनअवेलेबल का, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हाँ, जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिए, ताकि हम लोग कभी भी इसी तरह की वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग के भी फोन में ये वाला प्रॉब्लम शो हो रहा है एसडी कार्ड अनअवेलेबल का, तो मैं आप लोग को बताता हूँ इसे आप लोग किस तरह से आप लोग इसे फिक्स कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को यहाँ पे अपने पावर ऑफ बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रीस्टार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग के भी फ़ोन में यहाँ पे रीस्टार्ट वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आप लोग को रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ़ोन रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन हो गया, यहाँ पे लोडिंग दे रहा है। अगर आप लोग का एक बार आप लोग यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, अगर आप लोग का यहाँ पे एसडी कार्ड का ऑप्शन शो होता है तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर नहीं होता है तो आप लोग को सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोग अपने एसडी कार्ड को निकाल लेंगे बाहर सिम स्लॉट से। उसके लिए आप लोगों को इसकी मदद लगेगी। अगर ये आप लोग के पास नहीं है तो कोई भी पिन चल जाएगा, जिससे आप लोग सिम स्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे कैसे करना है। आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन के यहाँ पे साइड में एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, जो कि सिम स्लॉट का है। आप लोगों को इसको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने पर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये खुल गया है। मैं इसे निकाल ले रहा हूँ इसे, और ये आप लोग देख सकते हैं मैं इसे ऐसे करके निकाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे फिर से वापस इसे डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसका येलो वाला पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बार जैसा बना हुआ है, इसका आप लोगों को साफ़ करना है इरेजर की मदद से। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग इसे मतलब पेंसिल के लिखावट को जो इरेज करते हैं, वही वाला इरेजर से आप लोगों को यहाँ पे स्मूथली आराम से यहाँ पे साफ़ कर लेना है। यहाँ पे आराम से एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। करने के बाद आप लोग एक बार इस एसडी कार्ड को यहाँ पे डाल के देख लेंगे। आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ पे ऐसे डाल के प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। मैं इसे खोल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह इसे डाल देना है अपने फ़ोन में। डालने के बाद आप लोग इसे बंद कर देंगे, और यहाँ पे एसडी कार्ड यहाँ पे प्रिपेयर एसडी कार्ड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ देर वेट कर लूँगा, और शायद आ गया है। यहाँ पे एसडी कार्ड अनअवेलेबल का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया एसडी कार्ड अनअवेलेबल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ होगा तो चलिए मैं आप लोग को बता देता आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे अपना एसडी कार्ड को खोल लेना है। खोलने के बाद आप लोगों को इस एसडी कार्ड को किसी दूसरे फ़ोन में इंसर्ट करना है। चलिए मैं आप लोगों को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इस एसडी कार्ड को आप लोगों को एक फ़ोन में डाल के दिखा दूँगा। मैं इस फ़ोन में इस एसडी कार्ड को डालूँगा। ये एक सैमसंग का फ़ोन है, मैं इस पर डाल दूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं ये वाला पिन को फिर से मैं बस इस पर डाल के हल्का सा प्रेस करूँगा और ये खुल जाएगा। खुलने के बाद मैं इसे निकालूँगा। निकालने के बाद मैं इसे दोबारा से ऐसे रख के मैं बस इस पर ऐसे करके डाल दूँगा। डालने के बाद आप लोग को ये देखना है कि इस फ़ोन में, ऐसे फ़ोन को आप लोग को लेना है जिस फ़ोन में ये एसडी कार्ड रन करे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाके एसडी कार्ड यहाँ पे आ रही है कि नहीं। मैं यहाँ पे इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एसडी कार्ड रन कर रही है इस फ़ोन पर। मैं इस पर बैक जाके आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन होगा तो आप लोग सर्च मार लेंगे। अगर नहीं है तो आप लोगों को नीचे आके सिस्टम मैनेजमेंट पे जाके स्टोरेज एंड रैम पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे एसडी कार्ड वाला ऑप्शन को ढूंढना है। यहाँ पे मैं सर्च मार लूँगा स्टोरेज। यहाँ पे आप लोग चाहे तो एक बार अपनी फ़ोन में भी ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं
यहाँ पे एसडी कार्ड का शो नहीं हो रहा क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड फ़ोन है। मैं यहाँ पे एडवांस पे जाऊँगा, एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसडी कार्ड का शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके आप लोग सबसे पहले तो इसे अनमाउंट कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनमाउंटिंग दिखा रहा है, उसके बाद ये माउंट अनमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके माउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एसडी कार्ड माउंटेड हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग को बैक आ जाना है। आने के बाद इस एसडी कार्ड को दोबारा निकाल के आप लोग को अपने फ़ोन में डाल देना है। यहाँ से आप लोग ये बैक आके यहाँ पे आप लोगों को ये एसडी कार्ड को इस फ़ोन से निकाल के आप लोगों को अपने अपने फ़ोन में इस एसडी कार्ड को इंसर्ट करके एक बार देख लेना है। तो मैं अब इस फ़ोन में एसडी कार्ड को इंसर्ट कर दूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे आया है कि नहीं एसडी कार्ड का ऑप्शन। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया सिस्टम यूआई की तरफ से, प्रिपेयरिंग एसडी कार्ड। तो शायद लग तो रहा है कि आ गया होगा। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे जाता हूँ, ये आ गई है। ये आप लोग देख सकते हैं एसडी कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन। अगर फिर भी आप लोग का यहाँ पे शॉर्ट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आप लोग बैक आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, सिस्टम मैनेजमेंट पे जाके यहाँ पे आप लोग को रैम एंड स्टोरेज स्पेस पे जाना है। रैम एंड स्टोरेज स्पेस पे क्लिक करने के बाद एक बार आप लोग को यहाँ पे चेक करना है कहीं ये वाला माउंट एसडी कार्ड यहाँ पे अगर आप लोग को लिखा रहा होगा तो यहाँ पे आप लोग को एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। यहाँ पे आप लोगों का अनमाउंट एसडी कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेस इसका आ गया है। अगर आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू बेल आइकन है तो ये प्रेस करिए ताकि हम बता दी पीछे तक वीडियो देखा है। तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।